हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरसी कारखाना। लास्ट वीडियो में आपने इस आरसी ट्रैक्टर का पीटीओ का मेकिंग का वीडियो देखा था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इस जो ये पीटीओ बनाया है इसका वर्किंग कैसा है और ये कितना पावरफुल है, ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है और ये कैसे काम कर रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने इसमें एक ये पीटीओ का पूरा गेट सिस्टम लगाया है जो अलग से असेंबल करके इसमें केवल फिट करा है। ये सिस्टम जो है सीधे इस मोटर से कनेक्ट है जो हमारा आरसी ट्रैक्टर का इंजन का काम कर रही है। इसी मोटर से डायरेक्ट इसको पावर मिल रहा है मोटर को। इसमें जो है मैंने गियर का जो यूज़ करा है, इसमें CM4 मशीन एक आता है, मार्बल कटर मशीन के नाम से ज़्यादा फेमस है, उसी का गियर सेट यूज़ करा है इसमें। और यहाँ पर जो है बाइक आप देख रहे हैं चैन लगा हुआ है, ये बाइक का टाइमिंग चेन है। और जो इसमें चेन में पुली लगा हुआ है, ये पुली जो होता है बाइक का जो सेल्फ स्टार्टर मोटर होता है उस मोटर का ये पुली लगा हुआ है। यहाँ से मोटर जब चलती है तो डायरेक्ट इसको पावर देती है। इसमें एक ये जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है, ये क्या करता है कि हमारा जो जो मोटर है इसको व्हील को पावर दे रही है, उस व्हील से इसको डिसकनेक्ट कर देता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके जैसे पीटीओ। हमको अगर केवल ट्रैक्टर को नहीं चलाना है, केवल पीटीओ को चलाना है, तो हम केवल इस गियर को ऐसे, अभी मैं इसमें आगे चल के सर्वो लगा दूंगा, सर्वो से ये आगे ऐसे होएगा, इंगेज हो जाएगा गियर और हमारा पीटीओ वर्क करने लगेगा। फ्रेंड्स, ये मोटर जो इसमें लगा हुआ है इसमें डुअल स्पीड है, एक हाई स्पीड है और एक लो स्पीड है। तो उसी हिसाब से ट्रैक्टर भी दो स्पीड में चलता है और ये मोटर जब इसको पावर देती है तो ये पीटीओ भी दो स्पीड में चलता है। जो लो स्पीड है ये मोटर मोटर के 2 RPM है। लो स्पीड पे इसका RPM है 350 RPM और जो हाई स्पीड पे इसका इस मोटर का RPM है वो 1350 RPM है। तो उसी हिसाब से इसमें जो पीटीओ में पावर आती है, पीटीओ जिस मतलब लो RPM पे वो 350 है, तो गियर का जो रेशियो है वो आधे का रेशियो है। मतलब 350 का अगर वो इसे RPM यहाँ तक आ रहा है तो ये गियर से पीटीओ जब रन करेगा तो ये इसका आधा हो जाएगा, लगभग 170 RPM के आसपास इसका स्पीड रहेगा लो गियर पे। और जब ये मोटर हाई गियर पे चलेगी, हाई स्पीड पे चलता है, इसका RPM हाई स्पीड पर रहता है 1350 पे ये पीटीओ का जो RPM रहेगा वो अप्रॉक्स 650 RPM के आसपास रहेगा। दोनों ही स्पीड में ये बहुत पावरफुल है, लो स्पीड में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इससे आप कुछ भी खींच सकते हैं। फ्यूचर में चल के हम इसका एक पीटीओ ट्रॉली भी बनाएंगे और इससे चलने वाले जितने भी फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं सब बनाएंगे, सबका वर्किंग दिखाएंगे आपको। अगर आपको मेरे कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, मेरा ट्रैक्टर का मेकिंग वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है और काम करना और अच्छा लगता है। मैं एक बार आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है पीटीओ। अब इस समय इसका जो ये बिल्कुल न्यूट्रल पे है, ये चल नहीं रहा है। जब हम इसको गियर को इंगेज करेंगे तब ये घूमेगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। अब ये ट्रैक्टर हमारा मतलब रन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हमारा पीटीओ लेकिन चल रहा है। ये देखिए, ऐसे ही जब मोटर हाई स्पीड पे होता है, हाई स्पीड पे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस समय ये हाई स्पीड पे चल रहा है और इसमें जब इंगेज करेंगे तो इसका स्पीड पीटीओ का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, जैसे ये लो स्पीड में चल रहा है ऐसे ही ये हाई स्पीड में भी चलता है। बहुत बढ़िया वर्किंग है इसका। अगर हो सकेगा तो मैं आपको इसका एक बार इसका पावर टेस्ट भी कराऊंगा, उसे पुल करके दिखाऊंगा कि कितना पावर है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।